सभी नगरी को बर्थडे की बहुत बहुत बधाई। मंच पे विराजमान गुरु जी को मेरा प्रणाम। सिंगर इतनी ज़्यादा तादाद में है लेकिन शोएब भट्ट जो इंडियन आइडल में आए थे, मैं थोड़ा सा बाद में पहुंची। मैं अरुणिता के सपोर्ट में गई थी लेकिन शोएब की आज लाइव आवाज़ सुन के बहुत अच्छा लगा। इस प्रोग्राम में बधाई हुए सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। आज इतनी सारी तादाद में लोगों को देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सब भजन संध्या और भजन सुनने के लिए बैठे हैं। ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि आजकल कोई जागरण होती है तो बहुत कम लोग बैठते हैं। मैं बाड़मेर जिले से हूँ, एक छोटे से गांव से, लेकिन कसीदाकारी का काम है आप सबको मालूम होगा। उसी कसीदाकारी के काम के माध्यम से कई देशों में हमारे यहाँ के जो राजस्थानी प्रोडक्ट है उसको फैशन शो के माध्यम से, एग्जीबिशन के माध्यम से लोगों तक पहुँचाने का हमने प्रयास किया और साथ ही अपने राजस्थानी परिधान को फैशन शो के माध्यम से देश विदेश तक पहुँचाया। मुझे ज़्यादा पढ़ने का मौका नहीं मिला लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाने का मुझे मौका मिला और वहाँ का अनुभव था मेरा वो बहुत अच्छा था। जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मेरे पास में इन्विटेशन आया तो मुझे लगा मैं तो ऐसे स्कूल में भी नहीं पढ़ी, आठवीं में मेरा स्कूल छूट गया था, अच्छे कॉलेज के बारे में कभी सोचा नहीं था, लेकिन सीधा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इन्विटेशन आया, मैं वहाँ जाके क्या करूँगी। एक महीने तक जवाब भी नहीं दिया था। उसके बाद उनका वापस मेल आया कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, वहाँ की कला के बारे में यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जानकारी के लिए हम हमारे एनुअल फंक्शन में आपको एज ए स्पीकर के तौर पे बुला रहे हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद में जो मुझे अनुभव हुआ, उनको पढ़ाने का मौका मिला, उसके बाद उनके साथ में जब हमारे कला के बारे में बात साझा की तो उन्होंने सोच समझ के ये बताया कि हमारे यहाँ से इंटर्नशिप करने के लिए बच्चों को भेजेंगे। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से आज राजस्थान को ये आ रहा है इंटर्नशिप करने के लिए, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। इससे और अच्छी बात, नेक्स्ट डे जब भारतीय दूतावास में प्रोग्राम रखा गया और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज के लोग आए वहाँ पे, उन्होंने जब सुना तो उन्होंने ये बोला कि हम यहाँ से बच्चों को रिसर्च करने के लिए भेजेंगे और वहाँ की कला को हमारे यहाँ के सिलेबस में शामिल करेंगे। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इसी तरीके से जब KBC से मेरे पास में कॉल आया कि हम आपको KBC में गेस्ट बुलाना चाहते हैं, तो मैंने कहा वहाँ पे तो क्वेश्चन आंसर होते हैं, मैं तो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ लेकिन मैं वहाँ जाके क्या करूँगी, फेंको लोग आते रहते हैं ऐसे लोग बोलते हैं। लेकिन उनका नेक्स्ट डे और कॉल आया कि हम कौन बनेगा करोड़पति के चैनल सोनी चैनल से बोल रहे हैं, आपके ऊपर हमने रिसर्च किया, आप काम कर रहे हैं और हमारा फ्राइडे को स्पेशल शो होता है उसमें हम आपको एज ए गेस्ट बुला रहे हैं और करोमी रिवॉर्ड से नवाजा जाएगा। उसके बाद उनकी टीम पहुंची बाड़मेर, 5 दिन की शूटिंग चली, उसके बाद में 1 दिन का शूट वहाँ पे अमिताभ बच्चन जी के साथ में चला बॉम्बे में। तो इस तरीके से जो कौन बनेगा करोड़पति का एपिसोड था वो भी हमारे लिए बहुत ही अनुभवी रहा। आज तो सिर्फ यही प्रोग्राम है कि अनिल को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, तो जो भी मेरा जो अनुभव है इतने सालों का वो आप सभी महिलाओं के साथ ज़्यादा साझा करना चाहूँगी, क्योंकि महिलाएं हमेशा घबराती है कि हम पढ़ी लिखी नहीं है, हम ऐसे परिधान में कहीं जा नहीं सकते, लेकिन ये घबराहट आप छोड़ दीजिए, आपके पास में जो हुनर है उसी के साथ आगे बढ़िए। क्योंकि हम सोचते हैं कि हम गांव में बैठे हैं, हमारे हम जो बना रहे हैं ये कौन पसंद कर रहा है, लेकिन आजकल अपने पास में फोन है, उसके माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से अपने प्रोडक्ट कहीं पर भी पहुँचा सकते हैं। प्रोडक्ट खाली कसीदाकारी का नहीं, आप कुछ भी बना रहे हैं, चाहे खाने की चीज़ें हैं, चाहे पहनने की चीज़ें हैं, सारी उनकी मार्केटिंग करनी आनी चाहिए। तो उसके लिए जो पढ़ी लिखी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं कहती हूँ, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो अपने गांव में जाएं, गांव के लोगों के लिए रोज़गार पैदा करें और अपना कैरियर वहीं से शुरू करें। मैं मेरी वाणी को यही विराम दूंगी और किसी को अधिक जानकारी चाहिए तो बाद में जरूर मैं इन्वाइट करना चाहूँगी आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद।
एक बार जोरदार ताली बजाकर के आप अभिनंदन कीजिएगा। ये उस कार्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं अपन।